अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्शद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में डीडी फ्री डिश पर ऐड होने वाले नए स्पोर्ट्स चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की वीडियो में उन दोस्तों के लिए खुशखबरी है जिनके पास डीडी फ्री डिश जो है वो सैटेलाइट लगी हुई है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर जो है इसकी डिटेल जो है वो मिल सके। दोस्तों, डीडी फ्री डिश पर एक नया स्पोर्ट्स चैनल जो है वो इस वक्त ऐड हो चुका है। वो चैनल कौन सा है मैं आपको बताता चलूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि डीडी फ्री डिश पर एक पहले भी एक स्पोर्ट चैनल जो है वो इस वक्त चल रहा था डीडी स्पोर्ट के नाम से। तो डीडी स्पोर्ट ने अपना एक नया स्पोर्ट्स चैनल डीडी स्पोर्ट्स एचडी लॉन्च जो है वो कर दिया है। अगर आपके पास ये चैनल नहीं चल रहा तो इसकी फ्रिक्वेंसी मैंने इस वक्त स्क्रीन पर जो है वो शो कर दिया। आप इस फ्रिक्वेंसी को ऐड करके ये चैनल जो है बिल्कुल फ्री टू एयर जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। तो अगर आप फ्रिक्वेंसी ऐड नहीं कर सकते तो अपने रिसीवर को रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग करने के बाद इसे ब्लेंड स्कैन कर लें, आपके पास ये चैनल जो है वो आ जाएगा और आप इसके ज़रिए एशिया कप जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो इस वक्त ये एचडी क्वालिटी में जो है अपनी जो नशरियात है वो चला रहा है। अगर इसकी सिग्नल क्वालिटी की बात की जाए तो जिस जो फ्रिक्वेंसी मैंने आपको स्क्रीन पर शो कराई है वो डीडी फ्री डिश की तकरीबन सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।